मजबूरी में भारत के तलवे चाटने को तैयार है अमेरिका। भारत ने मौके पर मारा चौका। इस डील से भारत ने एक साथ कर लिए दो शिकार। एक बार फिर चीन को हिलाकर रख देगा डीआरडीओ का धमाका। भारत की शान ने दिखा दिया मेड इन इंडिया कदम। डीआरडीओ का ये सीक्रेट शक्ति प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े भारतीय सेना। मिसाइल नहीं, काल का परीक्षण है ये। दोस्तों, आज की दो खबरें आपको भारत की ताकत का अंदाजा दिला देंगी। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां हम आपको बताएंगे कि भारत ने अमेरिका को इस कदर फंसाया है कि भारत अब एक तीर से कई निशाने करेगा। और उसके बाद दूसरी खबर में आपको डीआरडीओ के धमाके के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत खास है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दोनों खबरें इतनी बड़ी हैं कि इन शक्तियों को पाने के बाद भारतीय सेना की टक्कर सीधे अमेरिका से होगी। जी हाँ दोस्तों, अब चीन भी पीछे छूट जाने वाला है। अगर आपको ये मजाक लगता है तो पूरी वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पिछले कुछ समय से भारत की विदेश नीति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज पूरी दुनिया भारत को एक बहुत मजबूत छवि वाले देश के तौर पर देखती है। भारत ने कूटनीति के माध्यम से अपनी विदेश नीति ऐसी बदली कि अमेरिका जैसा देश, जो स्वयं को विश्व का ठेकेदार मानता है, उसकी भी भारत के आगे एक नहीं चल पा रही है। तभी तो जो अमेरिका एक समय में भारत को डराने, धमकाने और दबाने के प्रयास करता था, वहीं अब भारत के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखने को मजबूर है। अमेरिका की ये मजबूरी कोई छोटी मोटी मजबूरी नहीं है। दोस्तों, वही अमेरिका आज भारत के पीछे पीछे दोस्ती का हाथ मांगते हुए घूम रहा है। वही अमेरिका सोच रहा है, किसी तरह अगर भारत का साथ हमें मिल जाता तो फिर से हमारी ताकत वापस लौटाती। आज भारत ने अमेरिका की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मौके पर चौका जड़ दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कैसे अपनी कूटनीतिक कला का बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन करते हुए भारत ने तुनक मिजाज अमेरिका को शांत कर दिया है। जानेंगे कि कैसे भारत के साथ दोस्ती बनाए रखना अमेरिका की आज मजबूरी और जरूरत दोनों बन चुका है। और अमेरिका की इसी मजबूरी का फायदा लेने का प्लान जो भारत ने बनाया है, उसको जानकर तो आप उछल पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, अमेरिका अब भारत को वो ड्रोन देने की तैयारी में है, जिसके जरिए उसने पिछले ही महीनों अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी का खात्मा किया था। इस ड्रोन का नाम है MQ-9B प्रीडेटर। इसको आप अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे घातक ड्रोन मान लीजिए। जानकारी के मुताबिक भारत अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदने जा रहा है और इसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में आ पहुंची है। यानी अमेरिका का ये ब्रह्मास्त्र बहुत ही जल्द भारत का होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच ड्रोन को लेकर ये सौदा $3 अरब यानी कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए में होगा। इससे भारत LAC और हिंद महासागर में अपनी क्षमता को और बढ़ा सकता है। और ये हम और आप सभी सोच भी नहीं सकते कि इस ड्रोन के आ जाने से क्या क्या बदल जाने वाला है। चीन को इस खबर का पता लगते ही दौरे आने शुरू हो चुके हैं। ये खबर ही कुछ ऐसी है कि खुशी के मारे भारतीय सेना को भी उछलने पर मजबूर कर रही है। अब आइए दोस्तों, आपको इस महाशक्ति का थोड़ा परिचय दे देते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इस ड्रोन के आने की खबर ने खलबली मचा कर रखी है। दोस्तों, MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का ही एक प्रकार है, जिसका प्रयोग करके अमेरिका ने अल जवाहिरी पर हेल फायर मिसाइल दागी और उसे ढेर कर दिया। इस ड्रोन का उपयोग तीनों सेनाएं कर सकती हैं। ये ड्रोन ऊंचाई के इलाकों में भी 35 घंटे तक हवा में रह सकता है और हेल फायर मिसाइल दाग सकता है। इसके अलावा 450 किलो के बम भी गिरा सकता है। आइए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि अमेरिका की ये कितनी बड़ी मजबूरी है और भारत ने कौन सा ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिका को खुद ही कटघरे में आकर खड़ा होना पड़ा। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो कुछ समय पहले तक भारत को डराने, धमकाने के प्रयास करता रहता था। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के दौरान अमेरिका ने पूरी कोशिश की किसी तरीके से भारत जंग में रूस के विरुद्ध खड़ा हो जाए, परंतु भारत ने उसकी एक न सुनी। भारत ने भले ही औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की, परंतु कहीं ना कहीं वो अमेरिका का साथ देने के बजाय रूस के पक्ष में खड़ा रहा। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए, अपने फायदे को देखते हुए भारत ने युद्ध के दौरान पैदा हुई स्थितियों का लाभ उठाया और रूस के साथ अपने व्यापार में जबरदस्त वृद्धि कर दी। सस्ते दाम पर भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा, जो अमेरिका को कतई रास नहीं आया, और उसने भारत को रूस का साथ देने के लिए अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली थी। केवल इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर भारत को प्रतिबंधों तक का डर दिखाया। परंतु अमेरिका की धमकियों और चेतावनियों का तनिक भी असर भारत पर नहीं पड़ा, जिसके बाद अमेरिका को मजबूरन घुटनों पर आना पड़ा। इसे अमेरिका की मजबूरी ही कहा जा सकता है।
कि जो भी हमें प्रतिबंधों का डर दिखाता है वही अमेरिका अपने कार्सा नियमों के तहत भारत को विशेष छूट देने पर मजबूर हो गया। देखा जाए तो आज अमेरिका के लिए भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखना बेहद ही जरूरी हो गया है। अमेरिका ये भली भांति जानता है कि भारत जिस तरह से विश्व पटल पर अपनी छवि मजबूत करता चला जा रहा है, ऐसे में भारत के साथ बिगाड़कर उसका काम नहीं चलने वाला। वहीं अमेरिका को यह भी अच्छे से मालूम है कि एशिया में भारत ही वो एकमात्र देश है जो चीन को चुनौती दे सकता है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल से अमेरिका पहले ही परेशान है, ऐसे में भारत के साथ खड़ा होना उसकी मजबूरी है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देख लिया कि वो चाहे भारत पर कितना भी दबाव क्यों ना बना ले, कितनी भी धमकियां क्यों ना दे, ये नया भारत है जो किसी भी कीमत पर उसके आगे नहीं झुकेगा। भारत के इसी रुख की वजह से अमेरिका भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, और इसलिए एक समय पर जो अमेरिका झुकाता था वो आज स्वयं भारत के आगे झुका हुआ है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की सफल कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया ने माना, और भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए अमेरिका जैसे देश को चारों खाने चित कर दिया। बात रही भारत की, तो भारत की तो बल्ले बल्ले है। एक तरफ अमेरिका झुक गया और दूसरी तरफ भारत को अचूक महास्त्र MQ-9B प्रीडेटर जैसा घातक ड्रोन मिलने जा रहा है, जिससे चीन की बोलती बंद हो जाएगी। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे खास है, जहां DRDO ने शक्ति प्रदर्शन कर दुनिया को हिला दिया, खासकर चीन को। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि भारत की शान DRDO ने इंडियन नेवी के बैटल शिप में ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया जो अपनी गति, सटीकता और मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। ये भारत में ही बनी मिसाइल है। इसकी गति इतनी ज्यादा है कि यह दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आती। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के पास समुद्र में किया गया। इस मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRSAM। इसने टारगेट को बीच रास्ते में ध्वस्त कर दिया। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट का मतलब होता है रडार को चकमा देकर आ रहा विमान, ड्रोन, मिसाइल या हेलीकॉप्टर। यानी भारत को अब दुश्मन इस तरीके से भी चकमा नहीं दे सकता। भारतीय मिसाइल दुश्मन की धज्जियां उड़ा देंगे। DRDO ने इस बात का खुलासा तो नहीं किया कि इस मिसाइल को किस वॉरशिप से दागा गया, लेकिन भारत का ये रहस्यमयी हथियार बेहद घातक है। इस मिसाइल की टेस्टिंग इसलिए हो रही है कि भारतीय जंगी जहाजों से BRAC-1 मिसाइल को हटाया जा सके। VLSRSAM मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। ये अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति BRAC-1 से 2 गुनी है। ये Mach 4.5 यानी कि 5,556.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की तैनाती इसी साल होना ही संभावित है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये 360 डिग्री में कहीं भी घूमकर अपने दुश्मन को खत्म करके ही मानती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।